आज हम एक ऐसे टॉप 10 फ्रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि समर स्पेशल है। ठीक है, समर के टाइम पे ये ऐसे 10 फ्रूट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप खाली अप्रैल ही नहीं, मई ही नहीं, बल्कि अगस्त तक जो है ये बिल्कुल आप दे सकते हैं पूरे गर्मियों के सीज़न में अपने बर्ड्स को। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके अलावा जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही कौन कौन से फ्रूट्स जो है देने चाहिए, ठीक है, मगर कुछ फ्रूट्स ठंडी होती है, आज हम उन फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी तासीर जो है ठंडी। ऐसे टॉप 10 मैं फ्रूट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बर्ड्स इस टाइम में ब्रीड से फारिग हो चुका है, मोल्ड की तरफ जा रहा है, बहुत सारे बर्ड्स ने मोल्ड स्टार्ट कर दिए, तो इस टाइम पर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो बर्ड्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जब वीडियो को शेयर करें तो बराबर में बेल आइकन का बटन उसको जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर टॉप 10 फ्रूट्स की हम बात कर ही रहे हैं तो उसमें अगर हम नंबर फर्स्ट की बात करें तो है तरबूज। तरबूज जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, ये गर्मियों में ही आता है जो कि हम अपने बर्ड्स को भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें तकरीबन 90% पानी की मिकदार इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है, साथ ही इसमें वाइटामिन सी और वाइटामिन ई भी मौजूद होता है, ठीक है, तो इसलिए बर्ड्स को लाजमी आपने देना चाहिए, हफ्ते में आप 2 दफ़ा दे दें काफ़ी है। इसके अलावा नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें जो है संतरे। संतरे जो है इसमें विटामिन सी काफ़ी हद तक मौजूद होता है, इसके अलावा विटामिन ए भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम और फाइबर भी इसमें पाया जाता है और इसमें पानी की मिकदार तकरीबन 80% होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये बर्ड्स के इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। इसके अलावा खरबूज़ा, ठीक है, खरबूज़ा जो है ये भी गर्मियों में ही आता है और अमूमन जो है हर घर में ही इस्तेमाल किया जाता है, तो बर्ड्स को आप लोग लाजमी प्रोवाइड करें ऐसे बर्ड्स के लिए जो कि मोल्ड की तरफ हो, ठीक है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो यह हमें लाजमी से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आलू बुखारे, ठीक है, आलू बुखारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बर्ड्स के लिए, इसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी बूस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में जो है ये काफ़ी जो है क्योंकि ठंडा है, तो इसलिए ऐसे बर्ड्स को लाजमी दें जो कि ब्रीड से फारिग हो चुके हों। इसके अलावा नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये है खुबानी, ठीक है, देखिए खुबानी 2 तरह की मिल जाती है, एक ड्राई खुबानी होती है और एक मौसमी जो कि मौसम के हिसाब से आती है ताज़ी खुबानी। देखिए सूखी खुबानी तो हम ब्रीडिंग सीजन में भी बर्ड्स को देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, मगर गर्मियों में इससे बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, हम बिल्कुल फ्रेश खुबानी जो कि ताज़ी खुबानी होती है वो हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, इसकी तासीर भी काफ़ी हद तक जो है ठंडी होती है, तो अपने बर्ड्स को लाजमी से आप लोग प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो है हम आ जाते हैं नंबर 6 की तरफ जो है अनानास। अनानास की तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है जो कि बर्ड्स को भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जिन बर्ड्स में फ़ाइबर की कमी हो। इसके अलावा जो है अगर हम 7 नंबर के बारे में बात करें तो देखिए 7 नंबर पे जो है गंडेरी। अच्छा, गंडेरी क्योंकि ये भी गर्मियों में ही आती है, ठीक है, तो ये पानी की मिकदार को काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स को बढ़ाती है, ठीक है, यानी जो बर्ड्स ब्रीड से फारिग हुए हैं और ऐसे बर्ड जो हाँप रहे होते हैं, ठीक है, जिनमें पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसे बर्ड्स को आप गंडेरी प्रोवाइड करें, ठीक है, जो एक्जॉटिक बर्ड्स हैं उनको ऐसे रिंगनेक हैं, अलेक्जेंड्राइन हैं, ग्रे पैरेट हैं, तो साबुत गंडेरी लेके आप उनके केजेस में ऐसे ही डाल दें, आप खुद देखेंगे कि कितनी ज़्यादा शौक से जो है वो तमाम बर्ड्स खाएंगे। इसके अलावा अगर हम सेब के बारे में बात करें जो कि 8 नंबर पर है, ठीक है, ये विटामिन ई विटामिन सी इसमें मौजूद होता है, बहुत सारे विटामिन इसमें मौजूद होते हैं और ख़ासकर जो है इसके अलावा जो है जो कि बर्ड्स के वायरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उसको भी ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर हम अपने बर्ड्स को सेब प्रोवाइड करते रहेंगे तो तरह तरह के जो इन्फेक्शन है कुदरती तौर पे जो है बर्ड्स जो है इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक। अच्छा, इसके अलावा अमरूद के बारे में बात करें, मौजूद है विटामिन सी, गर्मियों में बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए, बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपका बर्ड जो है वो उतने ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकेगा, ठीक है, तो अमरूद में भी जो है विटामिन सी मौजूद होता है जो कि काफ़ी हद तक जो है इन्फेक्शन वगैरह को भी ख़त्म करता है, इसको देने से जो है बर्ड्स का काफ़ी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेटर हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो है बर्ड्स को लाजमी से प्रोवाइड करनी चाहिए।
अच्छा नंबर 10 जो कि लास्ट हमारा फ्रूट है वो है आड़ू। आड़ू जो है बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। बर्ड्स को ये गर्मियों में लाजमी से प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों के ही तमाम फ्रूट्स हैं जिनकी तासीर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है। अगर अच्छा इसके अलावा हम अंगूर के बारे में बात करें तो देखिए अंगूर भी जो है वो मौसमी ही फल है, ठीक है, मौसम के हिसाब से आता है। इसके अलावा लीची हो गई, साथ ही आम हो गए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हैं तो गर्म मगर बर्ड्स की में काफ़ी ज़्यादा जो है वाइटमिन वगैरह को पूरा करती हैं, ठीक है। अगर ये फ्रूट्स जैसे कि मैंने बताया आम हो गए, लीची हो गई, इसके अलावा अंगूर हो गए, इसमें भी काफ़ी हद तक जो है वाइटमिन्स होते हैं, मगर ये कम मिकदार में बर्ड्स को देने चाहिए गर्मी के टाइम पे। बहुत है आप हफ्ता 10 दिन में एक दफ़ा जो है बर्ड्स को अंगूर दे सकते हैं, लीची दे सकते हैं, आम दे सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स की तासीर जो है गर्म है। पता चला कि हम जो है ये तमाम फ्रूट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनको छोड़ के अगर हम सिर्फ अंगूर दे रहे हैं और सिर्फ लीची या आम दे रहे हैं तो इनकी तासीर जैसे कि गर्म है तो वो बर्ड्स को थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके भी बहुत इन तीनों जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं फ्रूट्स बताए इनकी तासीर गर्म है मगर ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि हम हफ्ता 10 दिन में बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ्रूट की तासीर जो है वो ठंडी है और हम ऐसे बर्ड्स को दे सकते हैं जो कि ब्रीड से फारिग हो गए हैं, इसके अलावा मोल्ड की तरफ है या मोल्ड जो है स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये तमाम फ्रूट्स आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं जो कि खाली अप्रैल ही नहीं मई नहीं बल्कि अगस्त तक ये अपने बर्ड्स को प्रोवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मौसमी फ्रूट्स थे जो कि 10 फ्रूट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे और टॉप 10 फ्रूट्स थे ये जिनकी तासीर जो है बहुत ठंडी है और बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। कोशिश करें कि ऐसे विटामिंस बर्ड्स को दें जिसमें विटामिन सी जो है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए। इससे बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो ताकि बर्ड्स हर तरह के वायरल इन्फेक्शन वगैरह से बच सके और बर्ड्स के अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़त होनी चाहिए कि बर्ड्स हर तरह के इन्फेक्शन से जो है महफूज रहे। तो आज की हमारी वीडियो यही थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।